नमस्कार, इस समय हम कैथल के आरटीए विभाग के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जहां बीते दो दिन पहले राजौंद में एक पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक को आरटीए विभाग के अधिकारी बिना बताए शीशा तोड़कर लेकर आ गए और उसका एक मोटा चलान कर दिया। लेकिन इन आरोपों को हम सही नहीं बताते, लेकिन वो जाँच का विषय है। लेकिन इस समय जिनका ट्रक है वो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन पूरी जानकारी पहले इनसे जानेंगे, क्या कुछ ये कहना चाहेंगे, उसके बाद तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? अविनाश जी। ट्रक कौन सा था? 16 ग्यारह ट्रक। क्या पूरा मामला है? मामला ये है जी, गाड़ी पंप पे खड़ी थी जी, ठीक है जी, आई ये गाड़ी लेके चले गए शीशा तोड़ के। गाड़ी में पैसे थे जी। कितने पैसे थे? 1,33,000 जी, ठीक है जी। उत्तर से 55,000 रुपए चलान कर दिया जी। 55,000 रुपए का चलान कर दिया जी। तो गाड़ी कहाँ खड़ी थी? गाड़ी पंप पे जी, पेट्रोल पंप पे। हाँ जी। कहाँ पे? राजौंद में। हाँ जी। तो आपको सूचना कैसे मिली कि आपका ट्रक जो है वो आरटीए विभाग ले गया है? वो मेरे ड्राइवर का फोन आया था जी। अच्छा, ड्राइवर मौके पे था? ड्राइवर ने बताया, पंप वालों को ड्राइवर ने बताया जी। पौने घंटे बाद आया ड्राइवर वहाँ, पंप वालों ने बताया जी। ड्राइवर बोला मेरी गाड़ी कहाँ पे है, वो कहता भी आरटीए ले गया तेरी गाड़ी। तो ड्राइवर उस समय मौके पे नहीं था? नहीं, उस समय मौके में नहीं था। कहाँ गया था ड्राइवर? ड्राइवर तो बीमार हो गया, पेट खराब था जी। अच्छा, पंप वालों को बोल के वो वहाँ फ्लैश गया था जी। तो क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी है वहाँ की पेट्रोल पंप की, जिसमें ये दिखाई दे रहा हो, जिस तरह के आप आरोप लगा रहे कि शीशा तोड़कर आरटीए विभाग के जो अधिकारी हैं वो ट्रक लेके आए हैं? सर, फोटोज तो है जी कैमरे पंप पे, तो वो हमको दे नहीं रहे जी। ड्राइवर मारा पूछा उसने, उसी तरफ जब गाड़ी लेके चले गए उन लोगों ने बताया, तो ड्राइवर ने बोला भी मेरे को जी फोटो दे दो, वीडियो दे दो, उन लोगों ने मना कर दिया। तो आप 1,33,000 रुपए ट्रक में बता रहे हैं, जो कि अब नहीं है? हाँ जी। आपने चेक किए हैं? हाँ जी, ड्राइवर ने चेक किए हैं जी। अच्छा, ट्रक में चेक किए, पैसे नहीं है? हाँ जी। तो क्या आपको लगता है कि पैसे कहाँ गए? पैसे सर इनके पास ही है जी, इनके पास है जो गाड़ी जो गाड़ी लेके आए जी। तो आपने यहाँ संबंधित अधिकारी है जो मौके पे आरटीओ है उससे मिले? हाँ जी। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? वो कहता मैं तो था ही नहीं। अच्छा, ये बोला जो आरटीओ है ये कहता मैं तो था ही नहीं। कहता तो उससे बात करो। लेके कौन आया? कहता जो हमारी टीम है उससे बात करो, अब वो जहाँ पे मिलेंगे तभी बात करेंगे जी। उसके नंबर है, उससे बात की, वो राह नहीं डाल रहा जी। वो क्या कह रहा है जो ट्रक लेके आया आपका? बस कुछ नहीं, बात ही नहीं कर रहा वो अच्छे से। ट्रक आपका है? हाँ जी। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, एक व्यक्ति है, विकलांग है, एक हाथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि किस तरह से मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, लेकिन विभाग फिर भी जो है इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। बीते दिनों आरटीओ विभाग द्वारा इनका ट्रक पेट्रोल पंप पर खड़ा था, जो कि 3 घंटे से बताया जा रहा खड़ा था। ड्राइवर कहीं ना कहीं खाने पीने या कहीं बाहर जाता है, तो उसके बाद आरटीओ विभाग के कर्मचारी जाते हैं, तो पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक को शीशा तोड़कर, दबंगई देखिए आप आरटीओ विभाग के कर्मचारियों की किस तरह की है, कि शीशा तोड़कर उस ट्रक को वहाँ से ले जाते हैं। साफ तौर पर यह आरोप है कि उस ट्रक में 1,33,000 रुपये था, जो अब नहीं है। लेकिन सीधा सीधा अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो अधिकारी जो कर्मचारी उस ट्रक को लेके आया है वो कहीं ना कहीं खुर्द बुर्द उस पैसे को कर सकता है। पैसे किस चीज़ के थे? उतने पैसे मतलब ट्रक में कैसे? सर 33,000 रुपये तो भाड़ा था जी गाड़ी में, ठीक है जी। तो जो 1,00,000 रुपए था वो पार्टी वाले ने दिया था, पार्टी ने दिया था भी मंडी दे देना, मंडी गोविंदगढ़ दे देना उनका माल। तो पता कैसे लगा, मतलब कितने दिन बाद आपको पता लगी आपका ट्रक जो है आरटीए विभाग ले गया? मेरे को ड्राइवर ने बताया जी। चलिए आप ही मौजूद हैं, आपका क्या लिंक है ट्रक से और इस भाई साहब के साथ? मेरी ट्रांसपोर्ट है जी त्रावड़ी में, ये अपने पास ट्रक चलता है, ट्रक पंप पे खड़ा था, जैसे मेरी ड्राइवर से बात हुई है जी, बिल्कुल जो आरटीओ की टीम है, पहले एक ट्रक इन्होंने पकड़ा और उससे 10,000 लेके, उसमें बहुत ज्यादा ओवरलोड था, उसको तो हंसते हंसते कहते हैं जाओ, इसको कहने लगे 15,000 दे दो। ये बोला भी मेरे पास पैसे नहीं है, ड्राइवर कह रहा है मैं क्यों पैसे दूं, मैं मालक को क्या जवाब दूंगा, पहले तो गाड़ी से कुछ नहीं बच रहा। आप मेरी पहले ये बताएं, आप ये कह रहे हो ड्राइवर से 15,000 रुपए की डिमांड की गई, हाँ जी, जब मौके पे ड्राइवर था ही नहीं, फिर कैसे डिमांड? बाद में जो 9375 जीप थी वो कुछ दो लोग तो पुलिस वाले गाड़ी ले गए जी, 2-3 लोग पुलिस वाले वापस आए, जब पंप पे आया ड्राइवर भागते हुए गाड़ी चोरी की, वो कहने लगे भी आरटीओ है, आरटीओ साहब है, जे निपटना है तो यहाँ निपट ले, 10,000 रुपया पहले गाड़ी दे गई है,
10,000 तो दे। उसने मना कर दिया, इसका चलान करके खुद उसको पीटा, उसको नहीं बोला अभी तुम गाड़ी लेके चलो, खुद ड्राइविंग करके। एक सरदार औलदार है, एक नरेंद्र है, 3 स्टार वाला कहता है, कल हमारी बात हुई है, कह रहा मैं बहुत ईमानदार हूँ। एक ये मान है, ये हमारे को बोला दफ्तर से बाहर निकल जाओ जूते मार के निकलवाऊंगा, ऐसे बोला जी। फिर हमने रिक्वेस्ट भी की थी ऊपर, हम हमारे बंदे हैं दुष्यंत चौटाला जी के पास हैं, हमारे बंदे हैं बाणजे हैं, उन्होंने इसकी बहुत ढील पाई, झाड़ पाई, और कमीशन अबे ढिल्लो से भी बात हुई। उन्होंने कहा आपको क्या अधिकार है खड़ी गाड़ी का चलान कट के खुद शीशा तोड़ के ले आने का। आप साहब जी वहाँ गाड़ी देख सकते हो, जाके रिजोन अड्डे में शीशा साइड का हवा वाला टूटा हुआ है, खुद पुलिस वाले ड्राइविंग करके लाए अपनी चाबी लगा के। तो अभी पैसों का कुछ पता नहीं चल रहा। कितने पैसे थे? 1,33,000। वो व्यापारी से बात करा देंगे, विश्वा व्यापारी है फरीदाबाद का, जिसकी गाड़ी लोड करके आई है, उनका उसके भाई की शॉप है गोविंदगढ़ में, ऐसे ड्राइवर को दे देते हैं जो जाते हैं, जैसे मैं आपको दे दूं अपनी ईमानदारी में। 33,000 भाड़े का था वो पैसे। 5 घंटे बाद ड्राइवर को पता चला, पहले थाने गया रजौंद, कहीं कहीं घूमता फिरता रहा, टेम्पू में गया और बैठ के गया, फिर उसको पता चला भी गाड़ी तो उसकी खड़ी है, मतलब रजौंद बस अड्डे रोडवेज में। वहां जाके उसने भागते भागते पहले देखा पैसे चेक करूं, चलान तो जो हुआ हुआ, पैसे नहीं मिले जी। तो ये पुलिस वाले कह रहे हैं मैं तो बहुत ईमानदार हूं। कितने का चलान किया है? हाँ जी नजायज ही कर दिया, गाड़ी में ओवरलोड का काटा हुआ नहीं, गाड़ी में ओवरलोड है जी कोई 4-5 टन, इन्होंने चलान कर दिया 55,000 का। ये सुसाइड करेगा जी, इसके पास पैसे नहीं है। उल्टा हमने इनको रिक्वेस्ट की भी चलो जो चलान हो गया भर देगा, भी जज साहब ने बोला उनसे लगा लो थोड़ी रेहत मिल जाएगी, कोर्ट से चलान हो जाएगा। ये जो मान है ना, ये RTO चोर, ये कह रहा है हम तो लिखेंगे गाड़ी छूटे ना। हाँ जी, अब हम मैंने किसान यूनियन से बात की है, मेरे भाई हैं किसान यूनियन में, मेरा बंदा कम से कम 2,000 वहाँ करनाल में बैठा हुआ है, वो कहते हैं आप आज बात करके आओ, नहीं तो इन RTO के इस इंस्पेक्टर को देखेंगे इसकी ईमानदारी। अब हम आपकी रिक्वेस्ट आते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं वीर जी। इस मामले में उच्च अधिकारियों से मिल पाए हो आपकी? नहीं, अभी SP साहब को बेनती करेंगे, SP साहब को बेनती करेंगे, इसको मिलवाएंगे। हैंडीकैप्ड बंदा है, इसका ट्रक है क्या, 3 किस्तें टूटी हुई हैं जी इसकी, यहीं खड़ा रहेगा ट्रक, गल जाएगा, कोई बात नहीं जी। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे कदम क्या रहेगा अगर विभाग आपकी बात नहीं मानता, 1,33,000 रुपए जिस तरह से आपने आरोप लगाए अगर नहीं मिलते तो सर SP साहब के आगे पेश होऊंगा जी। ओके, फिर कोर्ट में बात करेंगे। आप ये देखिए, अब आप ये देखिए कि RTO विभाग द्वारा किस तरह से दबंगई की गई, ये इनके द्वारा आरोप लगाए गए, और जो इन्होंने दर्शाया गया उसकी परिभाषा हम आपको बता रहे हैं कि RTO के कर्मचारी पेट्रोल पंप पर खड़े एक ट्रक को शीशा तोड़ कर ले आते हैं। दबंगई ना कहें तो क्या कहें जनाब, कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि RTO विभाग की इस कार्यशैली को आप कहां देखते हैं। क्या RTO विभाग की ऐसी कार्यशैली होती कि एक पेट्रोल पंप पर एक ट्रक खड़ा है और उसका चलान कर दिया जाता है और शीशे तोड़कर उस ट्रक को ले लिया जाता है, और उसके अंदर पैसे का आरोप लगाया कि 1,33,000 रुपये पैसे थे और वो पैसे अब नहीं मिल रहे। अब साफ तौर पर इनका ये कहना है कि अगर हमारे उन पैसों का कोई हिसाब नहीं दिया गया, लेकिन इन आरोप की हम कतई पुष्टि नहीं करते, लेकिन हम जो अधिकारी RTO ऑफिसर है उनसे बात करने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनका पक्ष भी रखा जाए, वो भी अपना पक्ष रखें और इस बात को समझने का, हमें समझाने का प्रयास करें और जनता को भी समझाने का प्रयास करें कि क्या इस तरह की कार्यशैली RTO विभाग की रहती है। और जो कर्मचारी जिनका नाम बता रहे हैं कि नरेंद्र कुमार इंस्पेक्टर है, क्या वो जो लेके आया ट्रक 1,33,000 रुपये का जो इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है उसको लेकर वो क्या कुछ कहना है, हम उनसे फ़ोन पर ज़रूर बात करेंगे, एक बार फ़ोन हम ज़रूर उनको लगाएंगे। साहब जी एक और देखो, करनाल में पता चला है भी ये जो RTO है, ये हो रहे हैं जिनसे डेली लेते हैं उनका ओवरलोड चलता है जी, ये कोई मतलब है? एंट्री चलती है सर इनकी। हाँ जी, चोरियां करती हैं, ठीक है जी, हाँ जी। अंदरों अंदरी पैसे लेते हैं। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि RTO विभाग के जो कर्मचारी हैं ओवरलोडिंग के ट्रकों को 10,000 से 15,000 रुपये रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी इसके कोई पुख्ता सबूत हमारे पास नहीं है, इल्ज़ाम जो है वो दूसरे पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन हम RTO ऑफिसर हैं उनसे बात करने का जरूर प्रयास करेंगे अगर वो फ़ोन जो है वो उठाते हैं तो।
फिलहाल बैल जा रही है, लेकिन आरटीओ ऑफिसर है जो वो फोन पिक करते हुए नहीं नजर आ रहे। लेकिन हम एक बार दो जी इनकी ये तो फोन तभी नहीं उठा रहे, भी नए नंबर से फोन ना कर रहे हो, ये इनसे हमें बात हुई एक बार। चलिए एक बार दोबारा से हम ट्राई करते हैं कि जानकारी अगर उनसे मिल पाए। लेकिन पहले ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि आरटीओ अधिकारी जो हैं वो मीडिया बंधुओं के फ़ोन नहीं उठाते। पहले भी शिकायतें उपायुक्त महोदय को दी जा चुकी हैं, कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि आरटीओ अधिकारी है वो मीडिया के फ़ोन नहीं उठाता, पत्रकारों के फ़ोन नहीं उठाता। और आज देखते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। हम फ़ोन उसको कर रहे हैं बार बार, लेकिन अभी तक जो उन पर आरोप लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं अब सच होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आरटीओ अधिकारी द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। हम उनका वर्जन जानना चाहेंगे कि इन आरोपों की पुष्टि क्या कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक फ़ोन उनको बार बार मिलाया जा रहा है, वो नहीं उठा रहे। लेकिन हम जो इंस्पेक्टर है नरेंद्र, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। इंस्पेक्टर नरेंद्र हैं, उनसे भी जानते हैं। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। साहब जी ये रिक्वेस्ट है, पैसे कहाँ से ले आएगा, इसके पैसे तो चुरा लिए गए। अन्य कॉल अभी नरेंद्र कुमार जी भी बिजी चल रहे हैं या कुछ समय पर वो आपस में बात कर रहे होंगे कोई तो जी। बैल जा रही है, नरेंद्र कुमार जी से हम संपर्क करना चाहेंगे, जानकारी उनसे। नमस्कार नरेंद्र कुमार जी। हाँ जी। मोहन नायक बात कर रहा हूँ सर, लाइव आपको लोग देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आप पर एक राजौन से ट्रक जो है वो लेकर आए हैं, इस तरह के आरोप लगाएंगे कि शीशा तोड़कर ट्रक जो है वो ले आए, लेकर आप राजौन पेट्रोल पंप से लेकर आए हैं। क्या कह रहे हो सर? इस समय लाइव आपको लोग देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मोहन नायक पत्रकार बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी। एक आप पर आरोप लगाए गए हैं कि राजौंद पेट्रोल पंप पर एक ट्रक खड़ा था जिसको आप के आरटीओ विभाग के कर्मचारी और आप साथ में थे, उसका शीशा तोड़कर उस ट्रक को लेकर आया गया है। हमने 8 तारीख को उसका चलान कराया, जमुना जा रहे थे, ओवरलोडिंग में उसमें 12 टन ओवरलोड था जी। उसका चलान करके राजौंद बस अड्डे के ऊपर खड़ा किया, मैं कोई कुछ नहीं किया, गलत आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल। तो सर ट्रक गलत लगा रहे हैं इस चीज के लिए सर, शीशा तोड़ने का आरोप में काम किया अपना बिल्कुल ठीक सर, शीशा तोड़ने का आरोप है। कोई शीशा मतलब ही नहीं किसी चीज का, पीछे स्टार्ट करके ड्राइवर तो सर ट्रक सर ट्रक को सर ट्रक को कैसे खोला गया? सर इनका आरोप ये है कि चलान में भी लटका है, कुछ नहीं है, कल भी हमारे पास आया था ये जो सरदार जी है बिल्कुल मेरा आधार वो लगा रहे, मैंने कल भी कहा था हमने तो अब ये भी नहीं देखे अंदर से कैसे पुरानी गाड़ी है, उन पैसे कहाँ रखते है, क्या धरा है, नरेंद्र जी 1,33,000 रुपए का आरोप भी लगाया जा रहा है आप पर, बिल्कुल गलत लगाया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, देखिए अंदर रख के हमें पता ही नहीं गाड़ी ले गए, काउंट कर दी ये गाड़ी, चलान कर दिया ऑनलाइन और उसको बता दिया भाई मालिक से बात करे, हमारे यहाँ कहने से आया नहीं, उसकी क्या लपटा झपटी थोड़ी करते। नरेंद्र जी मैं एक जानकारी और दुरुस्त करना चाहूंगा, क्या ऐसा संभव है कि गाड़ी वहाँ खड़ी है उसका चलान जब ऑनलाइन ही करना है तो वहाँ मौके पे ऑनलाइन किया जा सकता है, गाड़ी लाने का मतलब नहीं हो सकता? गाड़ी लग रहे करके रुक के बैठ गया, मैं आधा घंटा देख के अभी मैं बाहर निकल आएगा, फिर उसको बुलाया, फिर उल्टा सुलटा बोलने लगे, मैं भाई गाड़ी ले चल रहे नहीं ले चलता, छोड़ के इसके अंदर लगा गए उतर के भाग गया। नहीं नरेंद्र हमने इसका कांटा करवाया, नरेंद्र जी मैं जानकारी यही दुरुस्त करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ऑनलाइन चलान जो है वो करना है तो उसमें गाड़ी जहाँ भी कहीं कहीं भी खड़ी हो गाड़ी तो चलान किया जा सकता है, तो क्या गाड़ी को वहाँ से ले जाया जा सकता है? कहीं भी थोड़ी किसी घर से थोड़ी ले गए, हमारे वही घर खड़ी थी, जब हम छोड़ो जब हम कोई चीज चेक कर रहे हैं और हमने देखा हमारे आगे किसी चीज में बढ़ जाएगा तो कोई ये क्या संभव नहीं है क्या? चलिए सर चीज चेक करेंगे ओवरलोड है क्या नहीं करें? तो सर ये जो पैसों का आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर बिल्कुल गलत मैं जो बताने लग रहा है, हमने तो आप सब बीच का जो बढ़ रहा है और लेता है किसी ने ये भी नहीं पता इसमें कोई चीज लड़ने की एक नहीं, अगर इन रख रखे हुए उसके अंदर ही पाएंगे, इन्हें क्या पता इन्हें ले लिए पता भी नहीं पैसे की कोई चीज होगी सर, हम भी उसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम भी आरोपों को लेकर ही बात कर रहे हैं क्योंकि आरोप लगाए गए हैं उसी को लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए। और ये थे हमारे साथ इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार, जिन्होंने इन आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखा, लेकिन वो जांच का विषय रह गया कि अब इस मामले में क्या निकल कर आता। लेकिन ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि आरटीओ विभाग के अधिकारी कर्मचारी इस तरह की दबंगई करते हुए ना नजर आए। ऐसे हरियाणा के तमाम जिलों में तमाम जीटी रोड्स पर इस तरह के हादसे देखे जाते हैं। और जींद में भी कल एक ऐसा ही हादसा देखा गया था कि 10,000 रुपये की रिश्वत देकर एक व्यक्ति की ट्रक को जो है वो छोड़ा गया। ये ऐसे कई मामले हैं, अगर हम ज़्यादा इस पर बात करेंगे तो पूरा दिन जो है वो चला जाएगा। लेकिन आरटीओ की इस कार्यशैली को कौन अधिकारी, कौन सरकार का मंत्री सुधार पाएगा, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। क्या ऐसे ही आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं कि आगे अगर इस व्यक्ति को 1,33,000 रुपये जो ये आरोप लगा रहे हैं, अगर वो इनको नहीं मिले तो आगे इसका जीवन बसर कैसे होगा। आप ये देखिए, अपाहिज है और लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत कर ये अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों लोगों को ये खटकता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों जो आरटीओ विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको इसकी इस हालत जो ये हालत है इसकी वो नहीं दिख रही। क्या अब उच्च अधिकारी इस मामले में कोई संज्ञान लेंगे, ये अभी देखने का विषय रहेगा। लेकिन साफ तौर पर इनका ये कहना है कि हम फिलहाल एसपी महोदय से मिलेंगे और तमाम जो है उनसे अपना विषय रखेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो किसान यूनियन से संपर्क किया जाएगा और इनके खिलाफ आंदोलन जो है वो छेड़ा जाएगा।